अब मैं मेरा नेक्स्ट गैजेट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैपटॉप। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने आज से 3 साल पहले लिया था जब मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट किया था। उस टाइम में मेरी पॉकेट मनी भी गवा। Hey guys, good morning. Welcome back to the new vlog. आज पूरे 3 दिन के बाद vlog की शुरुआत हो रही है क्योंकि 3 दिन से इतना busy क्यों? चलो बताता हूँ यार busy में क्यों। दरअसल मैं 25 तारीख से एक चैनल लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पर आपको कॉमेडी प्रोग्राम देखने को मिलेंगी हर सैटरडे। 25 में भी सैटरडे है तो उस सैटरडे से हम लॉन्च करेंगे पहला वीडियो, फिर उसके बाद से अगले सैटरडे दूसरा वीडियो। देखना मत भूलना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर कर लो क्योंकि उन सब शूट से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड सारी स्टोरीज अब मैं डालनी स्टार्ट करूंगा। करता नहीं था, अब कर दूंगा भाई, हरामखोरी नहीं है, कर देंगे। और आज है मेरा शूट का डे जिसकी तैयारियां ऑलरेडी सारी रात को करके रख दी थी। आज शूट हो रहा है मगर पहले करूंगा मैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद से थोड़ा सा ट्रेंडिंग वर्ल्ड पर काम, फिर उसके बाद से शूट मुझे स्टार्ट करना है। और इस ब्लॉग में आपको सारे गैजेट्स वगैरह सब देखने को मिलने वाले। गैजेट्स इन द सेंस कि मैं अपने व्लॉगिंग के लिए, अपने शूट के लिए क्या क्या यूज करता हूँ, कितना कितना मेरे पास गैजेट्स है, क्या क्या है, वो सब इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा। मगर पहले ब्रेकफास्ट लेने चलते हैं, भूख लग रही है पूरियां। टाइम हुआ है फिलहाल 9:30 बजे का, मैं उठ गया था 7 बजे क्योंकि 2.5 घंटा मेरा ब्लॉग एडिटिंग में लगा हुआ था जो कि आपने देख लिया होगा। नेस्ती को भी उठाना पड़ेगा, उठ जाओ यार मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट लेने। आराम से नेस्ती सोती रहती है। चलो कोई नहीं यार, अरे यार मैं बंद क्यों कर रहा हूँ, मुझे जाना था। ये गाड़ी यहाँ पर लगती थी, अब लगाता हूँ यहाँ पर मैं दिन में और रात में बाहर, और लगी हुई यहीं पर ही बाहर, और ऊपर मेरी गैलरी है। फिलहाल जी सामान सारा आ गया है, पूरियां वगैरह खाएंगे, पूरी सब्जी, साथ ही साथ में आज हम एक नई डिश ट्राई करेंगे यानी कि मिक्स सारी सब्जी, देखते हैं कैसी बनती है। आती है तुम्हें बनानी प्रॉपर? हाँ आती है, देखते हैं कैसी बनेगी। चलो फिलहाल सारी सब्जी आ गई है तुम्हारी, अब निकालो फटाफट जल्दी से पूरी सब्जी। निकल गई है हमारी गर्मा गर्म पूरी सब्जी, सब इसमें निकाल लो सारी पूरियाँ, काफ़ी टेस्टी होती है यार पनीर की सब्जी, मज़ा आता है खाने में। फिर उसके बाद से हमारा बनेगा खाना और ये दोनों तीनों आराम से भटकते घूमते। कहाँ बैठा, इधर आ जा यार, क्या हशर कर देते हो तुम सारा यहाँ फर्श का। तो भाई अब से कुछ ही देर में मेरा शूट स्टार्ट होने वाला है मगर उससे पहले पोस्टर बनाएंगे अच्छा सा, उसके लिए फोटोज वोटोज कैप्चर होंगे, वो एडिटिंग होंगे, सारा काम मुझे ही करना है। मगर लंच बनाने की तैयारी हो गई है। लंच में क्या बनेगा? यहाँ सारी सब्जी वगैरह कट चुकी है। कितना टाइम लगेगा? क्या कर रही हुई मसाला और सब्जी वगैरह कट गई सारी? कहाँ कटी हुई सब्जी? ओह सब्जी वगैरह कट गई है। बॉईल करके डालोगी क्या? बॉईल कर लेंगे। कितना टाइम लगेगा बनाने में? बस बॉईल्ड है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो बना लो, 1-1.5 घंटा लगेगा, थोड़ा सा शूट वगैरह करके फोटो वगैरह कैप्चर करके और उसकी एडिटिंग वगैरह कर लूँगा मैं। ठीक है कर लो बाय। और शूट करने के लिए मैं पहनूंगा ये वाली नॉर्मल शर्ट और ऊपर से ये वेस्टकोट। यस आई एम गेटिंग रेडी फॉर द शूट। तो ये है कुछ मेरा ड्रेस, और नीचे मत देखना इससे नीचे यार, इससे नीचे इससे नीचे लोअर है, बट मेन हिस्सा ये है, ऊपर का फोटो शूट होगा, हालांकि इतने बहुत है मेरे अकॉर्डिंगली। तो चलो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो फिलहाल गाइस पूरे 2 घंटे का इंतजार करने, मतलब 2 घंटे काम करने के बाद कंटिन्यूसली पोस्टर के फोटो शूट वगैरह किया, फिर उसको एडिटिंग वगैरह किया, फिर उसको हमने अपलोडिंग वगैरह कर दिया, सारे काम हो गए। तो पहले मैं करता हूँ लंच, फिर उसके बाद से स्क्रिप्ट जो है उसको देखा जाएगा और फिर शूट करने की तैयारी। भी बहुत सारी चीज़ें करनी है कि करके पहले लंच करते हैं यार। लंच में हमारी बन रही है रोटी। बनी नहीं अभी रोटी क्या? सब्जी बन गई पूरी, रेडी हो गई सब्जी? चलो कहाँ बैठ के कर रही हो यार, यहाँ पर खड़ी होकर कर लो ना, क्या क्या करती हो तुम भी हरकत है। फाइनली बन के आ गई हमारी गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म हमारी प्यारी सी सब्जी। रोटी बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म हो रहा है यार, कब से इंतजार कर रहा मैं सब्जी का, फाइनली बन गई। तो भाई फिलहाल मैं कर रहा था शूट करते करते अचानक से क्या हुआ, मैं थोड़ा रुक गया क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, वो मुझे हैंडल करना था। बट शूट करेंगे कल, जो आपको थोड़ा बहुत शूट के दौरान में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा मैंने पोस्टर वगैरह सब कुछ डाल दिए हर जगह, मगर उससे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि मैं जो व्लॉगिंग करता हूँ, साथ ही साथ में अपडेट्स शेयर करता हूँ, और फिर साथ ही साथ में जो हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं यानी कि जो कॉमेडी शो बना रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या गैजेट्स हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। वैसे मैंने दिखाए भी नहीं होंगे व्लॉग में, कुछ कुछ चीजें दिखा दी होंगी, प्रॉपरली एग्जैक्ट मैंने आपको एक चीज नहीं दिखाई होगी, मतलब सारी चीजें नहीं दिखाई होंगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं, एक है ये फोन नया वीवो का, फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी वीवो का फोन है, उसके अलावा बात करते हैं तो भाई ये भी वीवो का फोन है, और एक वीवो का फोन है जिससे व्लॉगिंग हो रही, जो मैंने हाल फिलहाल ही मिल लिया। ये सिर्फ और सिर्फ कैमरा पर्पस फोन है, इसका कैमरा क्वालिटी काफी बेटर है मेरे अकॉर्डिंगली। और साथ में अगर बात की जाए तो मैं शुरू करता हूँ ट्राइपॉड से, एक छोटा मिनी ट्राइपॉड है जिससे यहाँ पर मैं स्टैंड के ऊपर रख के
आराम से वीडियो वगैरह कर लेता हूँ जो मुझे टेबल पर वीडियो बनानी होती है। और साथ ही साथ में मेरा नेक्स्ट गैजेट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लैपटॉप। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आज से 3 साल पहले लिया था जब मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट किया था। उस टाइम में मेरी पॉकेट मनी भी गवारा नहीं कर रही थी कि भाई मैं अच्छा सा नया लैपटॉप ले सकूं, इतना महंगा लैपटॉप मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने ये सिर्फ 6,000 का लैपटॉप लिया था और इससे मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे लिटरली काफी सारे वीडियोस आपने ट्रेंडिंग वर्ल्ड के ऊपर भी देखी होंगी, तो वो सब इससे ही एडिट होकर आप तक पहुंचती थी। मतलब मेरा होम थिएटर है क्योंकि मैं कभी कभी रिलैक्स करने के लिए सॉन्ग वगैरह सुनता हूँ, काफी अच्छा फील होता है मुझे। ये है मेरा एक ट्राइपॉड, मतलब इसको स्टैंड कह सकते हैं, लाइट स्टैंड है। इसके साथ साथ मेरा एक बोया का माइक जो कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए। ये भी तकरीबन 1,000-1,200 के करीब आता है ये, मगर मैंने जब काम स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत मैंने पैसा कमाया था फिर उसके बाद से लेके आया था क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली ये भी महंगा था उस दौरान में। और साथ में ये एक स्टैंड ये भी मैंने बाद में लिया था, उससे पहले मैं छोटे छोटे ट्राइपॉड से काम चलाता था। तो फिलहाल एक और मेरा ये ट्राइपॉड स्टैंड है जो कि मैंने हाल फिलहाल में मैं लेता रहता हूँ, मुझे जरूरत पड़ती रहती है उसके अकॉर्डिंगली। और एक है ये स्टैंड, वो स्टैंड और है वो कहीं गए हुए काम करने के लिए, 5 वो स्टैंड हो गए। और एक हमारी बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉल की जो मैं हाल फिलहाल में बनवाता ही रहता हूँ, ये जैसे फोटो फ्रेम हो गया, लाइक ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया था, देखो यहाँ पर आपको लैपटॉप सब कुछ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्राइपॉड है साथ ही साथ में फोन्स, कुछ ट्रॉफीज वगैरह स्कूल की जो ये सब चीजें, बाकी इसके अलावा ये अपना सेकेंड स्टूडियो जहाँ पर मैंने रेंट पर घर लिया था वो बनाया था, ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको भाई जितना मैं दिल और गले से लगाऊ उतना मेरे लिए कम होगा, इसके लिए बहुत मेहनत की है, आप सबका बहुत साथ मिला है। ये YouTube का सर्टिफिकेट है जो मिलता है और ये हमने फ्रेमिंग करवाई थी, बाकी इसके अलावा ये पत्ते पुत्ते ये तो सब तो चलते रहता है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा लैपटॉप है। देखो सबसे पहली बात तो ये है, मुझे लैपटॉप के मामले के अंदर अगर मैं आऊँ तो मुझे इतना नॉलेज ही नहीं है। मेरे को लैपटॉप का अगर नॉलेज होता तो मैं पता नहीं कितना बेस्ट लैपटॉप लेता, मगर मेरे अकॉर्डिंगली जहां जहां मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख देख के सीखा कि भाई कैसा लैपटॉप लेना चाहिए, तो फिर मैंने ये फैसला लिया, मैं गया था HP का लैपटॉप लेने। मैं सीरियसली बताऊं मगर HP का लैपटॉप से ज्यादा बेटर मुझे डेल का लगा। डेल की इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत हाई है, ये i5 में, और इसका अगर मैं लुक की बात करूं तो भाई लुक तो बहुत जबरदस्त है, मतलब फुल HD है ये, फुल HD 4K वीडियो आराम से एडिट करता है, मतलब 6K भी कर सकते हो, फिलहाल तो 4K में अभी काम चल रहा है। बाकी इसके अलावा i5 में है ये, SSD इसके अंदर 256 यानी कि 256 GB इसकी SSD है, काफी अच्छी तरीके से, पता नहीं यार इसमें ग्राफिक दिखाना जरा पास ना लगे। यहाँ पर ये सब इसका ग्राफिक कार्ड एक स्पेशल दिया हुआ है जो कि काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है, इसका ग्राफिक कार्ड बहुत मस्त है। और ये क्या है भैया, Ryzen सब कुछ है इसके अंदर बढ़िया वाला। और बाकी ये है इसके फीचर्स, 15.6 इंच की डिस्प्ले है, विंडो तो इसके अंदर 11 ही है, विंडो तो 11 ही आ रही लेटेस्ट वर्जन के अंदर, बाकी ये सब चीजें यार, ये इसका मॉडल है Inspiron 15 3000। तो भाई इस लैपटॉप के फीचर्स मुझे बताने नहीं आते, मुझे यूज तो थोड़ा बहुत करना आता है, मगर एक्चुअल में मुझे इन सब चीजों की ना बिल्कुल पहचान नहीं है। ये भी SSD मैंने बाद में पहचानी है, वीडियोस देख देख के मैंने सीखा कि भाई लैपटॉप जब हमें लेना चाहिए तो वो SSD में लेना चाहिए ताकि उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा भी ऑर्डिनरी जो भी चीजें हमें बढ़ानी है मेमोरी वगैरह तो वो हम कलेक्ट कर सकें। बाकी तो भाई और क्या क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है बस यही है। ये क्या हो गया भाई, तो बस कल अगले दिन जो शूट वगैरह होगा तो वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, फिलहाल इस वाले व्लॉग के अब करते हैं यहीं पर ही समाप्ति। और हाँ एक चीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये है कि ये सारी चीजें मुझे बनाने में, ये सब चीजें मुझे बनाने में मेरा कॉस्ट अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 6 लाख रुपए, हम समथिंग बोल सकते हैं 6 लाख रुपए। हालांकि पता नहीं चलता कि भाई 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए काफी ज्यादा हमें लगता है कि भाई, मगर जो सच्चे तो है और मैं सच कभी छुपाता नहीं। और मेरे कपड़े दिखा ना, कितने सारे कलेक्शंस मेरे कपड़े वहां पर पड़े हुए हैं, ये कपड़े मैं उतारता हूँ फेंकता हूँ उतारता हूँ फेंकता हूँ उतारता हूँ फेंकता हूँ उतारता हूँ, यही सब मेरा चलता रहता है। तो बस गाइस फिलहाल आज के ब्लॉग के लिए फिलहाल इतने, क्योंकि 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, मेरा सोने का टाइम काफी ज्यादा ओवर हो चुका है। सारे ब्लॉग क्लिप करते हैं, समाप्त। आई होप कि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। जिंदगी रही तो मिलेगी अगले दिन प्यार से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। Down on my knees, I've seen things that you